सुधा बहुत ही हेल्दी सा ये नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसका खाने में टेस्ट बहुत ही ऑसम सा ही लाजवाब है। नमस्कार मित्रों, नमिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही हेल्दी सा फुल डाइट वाला नाश्ता लेकर के आए हैं, जो बहुत ही आसानी से गेहूं के आटे, मूंग की दाल और ढेर सारी सब्जियों से मिलकर बन करके रेडी हुआ है। आप इस नाश्ते का कमेंट बॉक्स पर हमको नाम बता करके देखें कि ना तो ये मुंगौड़ी है, ना ये फरा है और ना ही रोटी है, किंतु नाश्ते का जो टेस्ट है वो बहुत ही ऑसम सा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट वाला ये नाश्ता बन करके फटाफट रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इतना टेस्टी सा और घर के बेसिक सामान से बना हुआ नाश्ते को हम कैसे बनाएंगे। स्पेशल सा नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिए हुआ है गेहूं का नॉर्मल वाला आटा, जो हम लोग रोज रोटी के लिए यूज करते हैं। तौल में देखा जाए तो ये 200 ग्राम के आसपास है। इस आटे को हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर करेंगे। में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक हल्का सा टाइट डो रेडी करेंगे। आटे का डो तो रेडी हो गया है और थोड़ा सा मैंने इसको हार्ड डो ही रेडी किया है, जैसे पूड़ी आदि का करते हैं। बस हाथ में ले लेंगे तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल खुशबू, और इसको थोड़ा सा तेल लगा के अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक मसल मसल के इसको थोड़ा सा लचीला रेडी करेंगे। ठीक, बहुत ही चिकना, बहुत ही शाइनी वाला ये डो बन करके रेडी हो गया है। बस इसको अब हम ढक्कन लगा करके 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। तब तक इसकी चटपटी सी फिलिंग तैयार करते हैं। अब मैंने ली हुई है धुली मूंग की दाल, ये एक बाउल ली थी। तौल में देखा जाए तो ये 100 ग्राम के आसपास है और इसको 3 से 4 घंटे पहले मैंने इसको नॉर्मल वाटर में भिगो दिया था। अच्छी तरह से 2 पानी से धो लिया है। दाल इतनी भीग गई है कि ऐसे नाखून से दबाने पर अच्छी तरह से टूट रही है। को हमने लिया हुआ है मिक्सी का एक जार, इसमें इस दाल को ट्रांसफ़र करेंगे। किंतु ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इसमें पानी की मात्रा नहीं होगी, पीसने में दिक्कत होगी, तो 1 चाय के चम्मच के बराबर ही इसको पानी डालेंगे। अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिनको 2 टुकड़ों में कर लेंगे। 1 अदरक का टुकड़ा, जिसको 4 भागों में कर लिया है, और 4-5 कलियां लहसुन की इसमें डाल दी, और डालेंगे 1 पिंच हींग, और इसका बढ़िया सा फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए, गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी हो गया है। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको लगातार हाथ से ही या विस्पर से एक साइड ही इस तरह से करते हुए कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक लगातार फेटेंगे, ताकि ये दाल थोड़ी सी फ्लॉपी सी हो जाए। धुली मूंग की दाल बहुत ही फ्लॉपी सी भी हो गई है। हम कुछ डालेंगे मसाले। 1/4 चम्मच मैंने लिया हुआ ज़ीरा, 1/4 चम्मच लिया हुआ पीसी लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून लिया हुआ है धनिया पाउडर, ऊपर से डालेंगे 1/2 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। इससे इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा सा आएगा। और 1/4 चम्मच डालेंगे सादा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसको भी सारे मसाले डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सा फ्रेंड्स ये नाश्ता ही हो जाता है, और हम बहुत ही हेल्दी सा बना रहे हैं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे कुछ सब्जियां। मैंने लिया हुआ है बरबटी, जिसे रेवछा की पल्ली कहते हैं, 4-5 छोटी छोटी बिल्कुल काट लिया है, इसको भी इसमें डालेंगे। मैंने लिया हुआ 1 छोटा सा टमाटर, 1 छोटी सी प्याज। इसके अलावा जो सब्जियां आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, छोटा छोटा फूल गोभी है, और जो ना पसंद हो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों के साथ में इसको हमारा आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। बस बड़े बड़े से 3 पोर्शन कर लेंगे, बड़े बड़े 3 भाग करेंगे, और इनको इस तरह से गोल गोल करके नॉर्मल बेलेंगे। यदि आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा
सूखा आटा स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए एक हमने बड़ी सी पूड़ी जैसा बेल लिया है और इसकी थिकनेस भी आप देख रहे हैं, पूड़ी से जरा सा थोड़ा सा मोटा ही रखा है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा सा धुली मूंग की दाल का जो बैटर मैंने रेडी किया था उसको इसमें रखेंगे, स्प्रेड करेंगे कि चटपटा सा है। फ्रेंड्स एक बार बना करके घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको हम यहाँ से इस तरह से एक बार मोड़ देंगे, से एक बार इसको यहाँ मोड़ करेंगे और तरह से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से पैक कर दिया है दाल को इसके अंदर बिल्कुल। गैस के ऊपर रख दिया है एक पुरानी सी कढ़ाई, कढ़ाई को हाई फ्लेम पर ऑन कर दिया है और उसमें डाल दिया है 1 से 1.5 गिलास पानी और उसमें एक पुराना सा स्टैंड रख दिया है। आप चाहे इसकी जगह कोई कटोरी आदि भी रख सकते हैं। तरह से घर में रहने वाली चलनी को थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, चलनी को ग्रीस कर दिया है। मैंने रोल तैयार किया था इसको इसी में रखेंगे, पानी में अच्छा सा उबाल आने लगा है। इसी तरह से और रोल भी रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 3 रोल बनाए हुए हैं और इनको मैंने रख दिया है और अब ऊपर से इसमें डाल देंगे कोई भी प्लेट थाली जो इसके अंदर फिट हो जा रही है और कोई भी इसमें से हवा ना निकले। और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो ही रखेंगे और कम से कम 10-12 मिनट तक नाश्ते को पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और इसको अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो में और इसको खोल करके देखते कि आटे की लेयर बहुत ही कड़ी हो गई है और ये अच्छी तरह से पक गए हैं। आप चाहें तो इसको धीरे से पलट के देख सकते हैं, दोनों ओर भी देख रहे होंगे, दोनों ओर इसको पलट देंगे। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, एक थाली में रख करके ठंडा करेंगे। नाइफे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, अब बस इनको हम छोटे छोटे पीसेस में मन चाहे आकार में इसको काट लेंगे। इंच के इस तरह से इसके पीसेस काटे हुए कि फ्लॉपी सा ये नाश्ता बन करके रेडी हो जाएगा। और देखिए मैंने 1-1 इंच के इसके पीसेस काटे हुए हैं। आप चाहें तो इसके पीसेस के थोड़े से बड़े या थोड़े छोटे भी कर सकते हैं। इस तरह से सभी को काट लेंगे। देखिए इस तरह से सभी को काट करके मैंने रख लिया है। मैंने चढ़ा दिया एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। इस नाश्ते को आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या एयर फ्रायर में इसको पका सकते हैं। स्टेप में आ जाते हैं तब हम, अगर आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी नाश्ता रेडी करना है या कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप इस प्रोसेस तक कर करके आप इसको फ्रिज में रख लें और जब वो आए तब गर्मा गर्म थोड़ा थोड़ा सा कल्हार करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। फ्लेम को हम स्लो पे रखेंगे। 1/2 टीस्पून राई थोड़े से डालेंगे, सूखे हुए कढ़ी के पत्ते, आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डाल देंगे और ऑप्शनल है पूरी तरह से सफ़ेद वाले तिल, इससे बहुत ही सौंधा सौंधा नाश्ता बन करके रेडी होगा। तिल भी चटकने लगे हैं और जो हमने ये नाश्ता बनाया था इसको इसी में डालकर थोड़ा सा कल्हारेंगे। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी वो गोल्डन गोल्डन ये नाश्ता बन करके रेडी हो गया है। आप फ्लेम को कर देंगे बंद और गर्मा गर्म ही इस नाश्ते को खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब से डाल देंगे कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते। तो फ्रेंड्स फटाफट बनने वाला बहुत ही हेल्दी सा ये गेहूं के आटे और मूंग की दाल और ढेर सारी सब्जियों से बना हुआ नाश्ते की रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हमको इंतज़ार रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नमिता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले नमिता की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। अब हम फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।